अपाची आरटीआर का डिस्क मेजर अगर लेते हैं ओरिजिनल टीवीएस में और टीवीएस पैकिंग में लेते हैं तो आपको ये सारे पार्ट्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये ऊपर का रबड़ है जो यहाँ पे लगता है, दूसरा ये रबड़ है ये वाला जो मेजर इस साइड में लगेगा, ठीक है, लॉक के तरफ में। दूसरा ये, तीसरा ये है कि एक रबड़ वेल्डिंग रबड़ दिया हुआ है, एक कटोरी वाशर टाइप का दिया जो स्टील का होता है, और एक ये वाला भी एक देख सकते हैं, और कुछ एक शीशा होता है ग्लास, और फिर ये मेजर हो गया, मेजर किट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इतना सब कुछ आता है गाइस अगर टीवीएस का ओरिजिनल लेते हैं तो। तो अभी क्या करना है हमें, ये सभी पार्ट इसमें लगाना है, और इसका जो कीमत है देख सकते हैं, ये टीवीएस का जो ओरिजिनल है गाइस ये है 411 रुपये इसका कीमत है। तो इतना सब कुछ मिलता है इसमें। आपको बता दें कि इसमें दिक्कत क्या हुआ था कि जब भी ब्रेक दबाया करते थे तो अचानक ब्रेक हार्ड लग जाता था, जैसे कि कभी कभी होता है ना कि पीछे का ब्रेक अगर दबाते हैं तो हार्ड ब्रेक लग जाता है ड्रम वाले का, उसी तरीके से आगे वाला भी लग रहा था। तो हमने इसको खोला तो मैं आपको पुराने वाला दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि पुराना वाला जो ये है देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से ये घिस चुका है, और ये क्या होता है कि अटकता है इसमें जब हम ब्रेक यूज़ करते हैं, तो ये डिस्क मेजर जो है ये फंसता है, जो कि वो हार्ड ब्रेक लग जाता है, जबकि फ्री काम करना चाहिए, तो फ्री काम ये नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये बिल्कुल न्यू लगाएंगे और सेट लगाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसमें लगाना है, और इसके साथ ही यहाँ पे ये भी आया हुआ है, ये स्प्रिंग हो गया और लॉक हो गया। तो इतना सब कुछ गाइस किट में आया हुआ है। तो चलो देखते हैं कि इसको कैसे लगाया जाता है। इसमें अच्छी बात यह है कि इस गिलास भी दिया है कंपनी ने, हालांकि हमने किसी भी ब्रांड में हमने ये चीज़ नहीं देखा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये गिलास दिया हुआ है, तो ये गिलास यहाँ पर लगेगी, क्योंकि पुराना वाला जो गिलास है इसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बन आ गया है, डस्ट आ गया, जो कि अगर इसके अंदर डिस्क ऑयल भी रहे तो हमें पता नहीं चलता है कि ऑयल है कि नहीं है, है ना। तो चलो ये कंप्लीट, हम इसको लगाते हैं कैसे लगाना होता है। तो सारा ऑयल हमने इसका इधर से निकाल लिया है, जो भी था इसमें ऑयल हमने निकाल दिया इस जगह। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को लगाएंगे, और ये पार्ट यहाँ पे लगेगी, ये देखिए। और हमारे पास ये पतला सा स्क्रू ड्राइवर है, चलो ये तो बैठ गया है। अब हमें एक साइड से एक स्क्रू ड्राइवर लेना है, और इधर से धक्का देना है जो कि शीशा जो है बाहर निकल सके। ठीक है, तो इस साइड से हम चोट मारेंगे, शीशा चाहे फट जाए या फिर बाहर निकले, जो भी हो हमें खैर नया लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने उधर से धक्का दिया पेचकस के द्वारा, तो शीशा फट गया। खैर कोई बात नहीं, हमें तो इसे बदलना ही है, तो इसे हमें निकालना है गाइस। दूसरी तरफ के सहारे से हम इस गिलास के पैनल को निकाल लेंगे, क्योंकि ये पैनल काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जाम होता है। अंदर में इसका एक रबड़ भी होता है गाइस, वो रबड़ के साथ ये अटैच रहता है और ये जाम पड़ जाता है। तो उस तरीके से गाइस उधर से हमें ठोकना भी है, और इस गिलास को हमें निकाल लेना है किसी भी तरीके से। तो ये हमने फाइनली निकाल लिया है गिलास, देख सकते हैं कुछ तरीके से होता है, और स्टील कॉलर भी इसमें दिया हुआ है गिलास के साथ, और अंदर में एक रबड़ भी मिलता है ऑयलिंग रबड़, जो कि ऑयल को लीकेज होने से बचाता है। फिर इसको हम कपड़े से साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद अब जो हम गिलास लगाएंगे गाइस, तो गिलास लगाने से पहले हमें एक ऑयलिंग रबड़ लगाना है, जो इसमें नया मिलेगा आपको। तो ये ऑयलिंग रबड़ हमने न्यू वाला लगा दिया अंदर में, और फिर ऊपर से हम गिलास को लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है मेरे से, कि इस गिलास के अंदर एक लोहे का पैनल लगता है, अंदर से एक लोहे का वाशर लगता है, जिसमें कि वो जो है इसके गिलास को हमेशा यानी कि सेफ रखने में मदद करता है, एक सपोर्टर है वो मैं लगाना भूल गया था, जिसमें कि मैं अलग से वॉइस कवर कर रहा हूँ, तो वो आप ज़रूर लगा दें। अब ये मेजर किट है गाइस, तो मेजर किट आपको यहाँ से लगाना है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्क ऑयल ही, या फिर ग्रीस हल्का डाल सकते हैं, हालांकि ग्रीस हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर वो ग्रीस फिर पाइप में जाता तो नुकसान करेगा। और यहाँ पे ऊपर का कवर लगाने से पहले ही इस डिस्क मेजर किट को आपको ऐसे ही ऊपर से ऑयल डालने के बाद आपको ऊपर आगे पीछे करना है, यानी कि एक तरफ से समझो कि प्रेशर बनाना है। प्रेशर बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पे रबड़ लगाना है, जो बाहर से रबड़ लगता है, और फिर आप इसमें लॉक लगा देंगे। ये सब काम करने के बाद फिर आपको सभी चीज़ें सेटिंग करना है, जैसे कि इसका ये हो गया, ऐसे आपको
कंप्रेसर बनाना है इसमें। यहाँ से अगर हम अच्छे से कंप्रेसर बना लेते हैं, प्रेशर बना लेते हैं, तो आगे हमें दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती है, हमें एयर निकालना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये काम आप लोग जरूर करें, बगैर ऊपर का कवर लगाए, बिना लॉक लगाए। सबसे पहले हल्का सा आपको मेजर किट अंदर डालना है और फिर आगे पीछे करना है। इससे क्या होगा कि ऊपर का जो तेल है वो नीचे आके पाइप में पूरा भर जाएगा और प्रेशर अच्छी तरीके से बन जाएगी, आगे दिक्कत नहीं करेगी, एयर नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस मैंने कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि डिस्क ऑयल भी दिखने लगा है, लेकिन एक मिस्टेक मेरे से यही हुआ है कि यहाँ पर एक और अंदर में कटोरी वाशर लगना था, जो कि मैं वो भूल गया। खैर, उससे कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप लोग जरूर लगाएं, ध्यान से आप लोग काम करें, तो मेरे से ये मिस्टेक हुआ है। चलिए आपको हम ब्रेक चेक करके दिखाते हैं। तो पहले जो इस बाइक में दिक्कत थी, ब्रेक जब आगे का यूज करते थे तो हार्ड ब्रेक लग जाता था, खड़ा जैसा आवाज कर जाता था। ठीक है, जिससे कि व्हील ड्राम ब्रेक ब्रेक में क्या होता है कि ब्रेक दबाया तो अचानक ब्रेक लग गया, चक्का फिसल गया, जाम कर गया। उसी तरीके से ये वाला भी हो रहा था, तो वो शॉर्ट मैंने आप लोगों को नहीं दिखा सका। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना जानकारी नहीं था कि हमें बदलना ही पड़ेगा। मैंने सोचा कि चलो रिपेयरिंग कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन मुझे बदलना पड़ गया। तो इस तरीके से गाइस ये कंप्लीट हो गई।